एक क्यूज खेलने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर और साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको आपको क्वेश्चन मिलेंगे 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और चलिए देखते हैं कितने आपके मार्क्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन फ्री में के लिए। आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपने ऑप्शन बोलना है कौन सा। हाँ जी, वन ए बी सी डी, हाँ जी ए बी सी डी, विच वन, ओनली 8 सेकंड, माइनस रॉन्ग। तो आपके कितने मार्क्स आए, 0 ठीक है जी। तो टीम ए का स्कोर होगा 0। चलिए टीम बी के लिए आराम से इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टीम बी के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस फाइव का, दिस वन, आप बोलो दिस वन, रेडी सर, कितना स्कोर उनका, 148। तो आप लिख सकते हैं एक तरफ ए टीम का बी टीम का, ए टीम का 0 लिख लो और अपना 148 लिख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड टीम ए के लिए, विच वन, दिस वन, सब ठीक है, तो कितना स्कोर है इनका, 160 लिखो, ए टीम का 160। इसमें ये होता है कि अगर आप जितना जल्दी आंसर देंगे वो मार्क्स उतने ज़्यादा मिलते हैं, जैसे जितना जल्दी दे दिया आपने तो उतने जल्दी मार्क्स मिलेंगे, इसलिए सब ध्यान से देखो और आपस में बातचीत करके आंसर देना है, एक डिस्कस करना आपस में। चलिए नेक्स्ट सर बी टीम के लिए, इतना बोलो ना, ऐसे नहीं बोला, एक बच्चा बोलना आपस में पहले डिस्कस करो फिर बोलो, ऐसे सीधे नहीं बोलना कि ये पहले आपस में डिस्कस करो। देन आपका है 143, हल अपने। चले नेक्स्ट टीम ए के लिए, ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को पढ़ो सॉल्व करो और आपस में डिस्कस करो, फिर मुझे बताओ कौन सा आंसर है। पहले मैंने बोला आपस में डिस्कस किया नहीं आपने, तो 188 का मुझे नहीं बताना, पहले डिस्कस करो आप डिस्कस करते नहीं। चलिए नेक्स्ट टीम का मीनिंग होता है, क्वेश्चन को देखा आपस में डिस्कस किया फिर मुझे बताया। चलिए नेक्स्ट टीम बी के लिए, तो आपको 1 मिनट मिलेगा, डी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया ऐसे कैसे डी आ गया। टीम ए कौन सा, रिपाई कर दो, 179। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 टीम बी के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 टीम ए, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करो सर, ए ए तो कैसे आया, ए आपने सॉल्व किया जैसे तुक्का लगा दिया, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन फॉर टीम बी, सर